यो तो बकरी की टट्टी से 1000 करोड़ की चिप निकालने से लेकर ताजा खबर की मैया को दरिया में डुबाने तक क्या कुछ नहीं हुआ सीजन 2 में। जहाँ जिस तरीके का ह्यूज रिस्पांस ताजा खबर को देखने मिल रहा है उसके मुताबिक अब सीजन 3 को लाने के पीछे इनके पास अब बहुत सारे वैलिड रीजन है। लेकिन अब बचा क्या है? यूसुफ अत्तर के निपट जाने से क्या उस दिन जिन जिन लोगों का पैसा अपने वस्या ने डुबाया हुआ था क्या वो लोग भी अब वस्या का पीछा छोड़ देंगे? और मिस स्वाति जो एक पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हुए लड़कियों के जरिए आज भी अपना पूरा एक ड्रग कार्टेल चला रही है, वो वसंत की ओर से आई हुई की धमकी से क्या चुपचाप बैठ जाएगी? और इस सब के ऊपर जो वरदान आज तक बस ताजा खबरें दिखा रहा था उसके कॉल आने के पीछे का मतलब क्या है? इन शॉर्ट क्या क्या हो सकता है सीजन 3 के अंदर अगर ये लोग बना रहे हैं तो देखो, सबसे पहली चीज, भले यूसुफ अख्तर अब अल्लाह को प्यारे हो चुके लेकिन जिस पोजीशन को वो बंदा होल्ड कर रहा था डेफिनेटली वो अकेला तो नहीं था। आई मीन उसके बीवी बच्चों के बारे में हमें हल्का सा क्लू भी नहीं दिया गया, आई मीन वो बताया ही नहीं गया है कि वो है भी कि नहीं। आई थिंक वो है, क्योंकि जिस तरीके से आखिरी एपिसोड के दौरान वस्या मधु को ये बात कहता भी है कि मुझे इसे मारने दे वरना कल को हमारा बच्चा भी इसे मारने के लिए चला आएगा। लेकिन यही बात वसंत के लिए भी तो एप्लीकेबल है, अगर वस्या मर जाता तो वस्या का लौंडा यूसुफ के पीछे आता। लेकिन अब जबकि यूसुफ मर चुका है और अपना वस्या जिंदा है तो यूसुफ का लौंडा वस्या के पीछे आएगा ही। और इस सब के ऊपर आप यूसुफ की बैक स्टोरी देख लो, उसके बाप को एक बड़े गैंगस्टर ने पेल दिया था जिसका बदला यूसुफ ने लिया, तो ये एक पूरा फुल सर्कल है जिसे कंप्लीट करने के लिए यूसुफ के लौंडे का वसंत के पीछे आना बहुत जरूरी है। स्टोरी वाइज वही अगर बात रही मिस स्वाति की तो भाई वो एक पॉलिटिशियन है जिसे अब ये बात पता है कि अपने शहर में एक ऐसा लौंडा एग्जिस्ट करता है जिसके पास ताजा खबरों का वरदान है। तो अब तुम ही सोच के देखो, एक पॉलिटिशियन है जिसे पता है कि मुझे आगे आने वाली सारी खबरों का पता पहले ही चल जाएगा, तो वो अपने वसंत को ऐसे कैसे छोड़ेगी? वो उसके पिछवाड़े में उंगली करके ही रहेगी ऑब्वियसली। जहाँ बात रही ताजा खबरों के कॉल करने की, तो देखो आई पर्सनली थिंक ये एक लौती ऐसी चीज है जिसे इन्होंने जानबूझ के एक ओपन एंडिंग की तरह छोड़ा है। जिस तरीके से हमें आज तक पता नहीं चला कि राजू ने कॉल उठाने से पहले बंदूकें फेंकी कि नहीं, ठीक उसी तरह वी डोंट नो कि वस्या उस फोन को वापस लेगा कि नहीं। लेने के लिए वो ले भी सकता है क्योंकि वसंत मॉरली उतना भी अब क्लीन नहीं रहा, उसने इस बार किडनैपिंग ट्राई की है ब्रो, तो वी नेवर नो कब उसका मन बदले, शायद से वो उस फोन को अपने साथ वापस घर लेके भी आया होगा। दुनिया को भले ही वो बता दे कि नहीं भाई छोड़ दिया हमने वो रस्ते, लेकिन अंदर ही अंदर वसंत एक मुत्री पे बैठने वाला वस्या है, कीड़ा उसके अंदर भी बहुत है। तो लेट्स सी, अगर इसका सीजन 3 आने वाला है तो मैं तो उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहूंगा, बिकॉज भुवन बाम को लेकर कहीं ना कहीं बायसनेस अपनी भी है। बंदा यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से निकलकर कई मायनों में सही तरीके से फोड़ रहा है, तो व्हाई नॉट। खैर आपने अगर ताजा खबर का सीजन 2 देख लिया है तो फिर आपके इसे लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर शेयर कर देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता। तांबड़ी चांबड़ी हित समझते हैं।